हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर हम निकल चुके हैं अयोध्या की पावन नगरी में कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जैसा कि रिकैप है, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने हनुमानगढ़ी टेंपल का कंप्लीट टूर दिया था। तो ये थोड़ा सा रिकैप की क्लिप है उसकी, तो अगर आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा वो वीडियो। और ये हमारे हनुमान लला की दर्शन की क्लिप है। और आज हम चलेंगे कनक भवन, दशरथ महल और राम की पैड़ी और सरयू घाट को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जैसा कि हम हनुमानगढ़ी की टेंपल के पिछले दरवाजे से एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दशरथ महल पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी करीब हैं हनुमानगढ़ी टेंपल से, दशरथ महल, कनक भवन। तो ये हम निकल चुके हैं दशरथ महल की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं दशरथ महल। ये है बाहर से इसका फ्रंट व्यू और ये काफ़ी ही सुंदर महल है। इसको श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल कहा जाता है। अयोध्या में राम कोट में स्थित है ये दशरथ महल। मान्यताओं के अनुसार से राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी और ये काफ़ी भव्य महल है और इसे बड़ी जगह और बड़ा स्थान भी कहा गया है। वही जगह है जहाँ भगवान राम जी ने अपना पूरा बचपन अपने भाइयों के साथ बिताया है। चौदह जनवरी 1998 से सीताराम जाप यहाँ पे बिना रुके लगातार चल रहा है। यहाँ की कलाकृतियाँ देखकर बहुत ही लुभावनी और मनभावक लगती है और ये सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि इसी आंगन में हमारे भगवान श्री राम जी पले बड़े और खेल के बड़े हुए हैं। उनका सारा बचपन इसी आंगन में बीता है। ये वही जगह है जिसे आज मंदिर में बदल दिया गया है। तो अब हम चल चुके हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन भी काफ़ी पास में ही है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये हम कनक भवन की ओर निकल चुके हैं और ये है मुख्य द्वार कनक भवन का। कनक भवन नॉर्थ ईस्ट में स्थित है राम जन्मभूमि के। और ये जैसा कि आप लोग नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कनक भवन, कनक मतलब होता है सोना, तो ये पूरा सोने का महल हुआ करता था। और ये देवी सीता को रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था जब वो विवाह करके अयोध्या पधारी थी। तो इस महल में हमारे श्री राम और देवी सीता रहते थे और ये उनका आप कह सकते हैं प्राइवेट पैलेस था जहाँ वो रहा करते थे। कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि इस महल में किसी भी अन्य पुरुष को आने की आज्ञा नहीं होती थी। और जैसा कि पता है कि मुगलों का आक्रमण भारत पे
काफ़ी बार हुआ और उसमें काफ़ी मंदिरों और महलों पे नुकसान हुआ और क्षतिग्रस्त किए गए, तो उनमें से ये भी एक महल था जिसको काफ़ी बार युद्ध में नुकसान पहुंचा और कई बार इसका रिनोवेशन कराया गया। तो कनक भवन में भगवान श्री राम के साथ देवी सीता की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शन करने काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु पधारते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा भवन कितना सुंदर लग रहा है। आज भी ये एकदम सोने की तरह जगमगा उठा है और इसकी हर एक चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं। सीताराम 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 सीताराम। तो ये समय आ चुका है हमें कनक भवन से विदा लेने का और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर हम बढ़ चुके हैं, जो कि है राम की पैड़ी। तो ये आप कुछ दृश्य देख सकते हैं, कनक भवन के बाहर के दृश्य हैं और ये हम पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी। तो राम की पैड़ी सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला में से एक है और ये बहुत ही फेमस हुई थी 2019 में। आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा इसके बारे में कि 2019 में दीपावली में के अवसर पर यहाँ पे राम की पैड़ी पर करीबन 450,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और बहुत ही जगमगा उठी थी पूरी अयोध्या इस दृश्य को देखकर। और सरयू नदी में कहा जाता है कि डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो अगर आप अयोध्या पधारें तो ज़रूर इसमें डुबकी लगाइएगा। हमारे रामलला यहीं पे आकर के स्नान किया करते थे और काफ़ी प्रचलित है ये सब मान्यताएं कि अगर आप सरयू नदी के दर्शन मात्र कर लेते हैं वो 60,000 बार गंगा में डुबकी लगाने के बराबर होता है। तो दोस्तों, टाइम आ गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।